ये टॉपिक है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा, एक्रूवल्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? नहीं, प्री पेमेंट्स एडवांस पेमेंट को कहते हैं प्री पेमेंट, ठीक है। तो एक्रूवल्स क्या होंगे, अपोजिट हो गया इसका, जो पे ना किया हो, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस। तो प्री पेमेंट का अपोजिट क्या होता है, अनपेड। प्री पेमेंट होती है आपकी एडवांस पेमेंट्स, और एक्रूवल्स क्या होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस। क्या लायबिलिटी है ना? हाँ। अच्छा, प्री पेमेंट्स की नेचर क्या होगी? प्री पेमेंट के नेचर एसेट हो गए, और एक्रूवल्स की नेचर लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, अनपेड पेबल ना। देख लेते हैं इसको। एक्रूवल्स और एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस। जैसे आपका बिल आता है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, बिल आपने पे नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या है, एक्रूड एक्सपेंस। मंथ एंड हो गया, आपने इंप्लॉयज को सैलरी पे नहीं की, तो वो आपके लिए क्या है, एक्रूड एक्सपेंस। साथ में ने एंट्री क्या बना दिया, देखिए एक्यूट एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट एक्यूअल्स क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज। हाँ लिखे। अच्छा बल्कि हाँ, प्री पेमेंट ही बता देता। प्री पेमेंट्स आपकी एडवांस पेमेंट होती है, जैसे कि आपने यहाँ एडमिशन लिया, आपने फीस पे की, अपनी एडवांस पे की थी ना, तो वो आपके लिए क्या है, प्री पेमेंट। मोबाइल में बैलेंस लोड करते हैं, प्रीपेड कनेक्शन आपका होता है ना, प्री पेमेंट। ठीक, रेंट पे कोई स्पेस दिया, आपने रेंट एडवांस पे करते हैं, प्री पेमेंट हो गई। तो प्री पेमेंट क्या होंगे, आपके एडवांस पेमेंट, और इसकी नेचर क्या होती है, एसेट। और एंट्री बनेगी प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस। तो देख लीजिए एंट्रीज को भी मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल। क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? जिस ईयर के एक्सपेंस होंगे उस ईयर में चार्ज करेंगे, या इसमें था कि जिस ईयर जो इनकम आप अर्न करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज करते, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, ये लिखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अच्छा ये बताएं कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए, जब वो अकर हो जाए या जब आप पे करें। ट्रांजेक्शन को, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए, जब वो ट्रांजेक्शन अकर हो जाए या जब रिसिप्ट या पेमेंट हो जाए। हाँ, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एफर्ट्स करें, मंथ एंड हुआ तो मंथ एंड भी बिल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या पे करने का इंतजार करें? मंथ एंड भी रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे क्रेडिट सेल्स होती है, रिकॉर्ड कब करते हैं, सेल्स के टाइम पर या रिसिप्ट के टाइम पे? सेल्स करते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। अच्छा, और क्रेडिट परचेज, जब परचेज करते हैं फॉरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेमेंट का इंतजार नहीं करते। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं कि जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लें, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार ना। अच्छा, इसका फायदा क्या है, वेट ही कर लें तो इसका फायदा क्या है, कि जब अकर हो तो रिकॉर्ड करें, पेमेंट के टाइम पर ना करें तो क्या होगा? देख लेना, क्या नाम, कैसी कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, अच्छा ये आप बताएं, और कौन कह रहा था? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, भूल गए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसे होता क्या है कि ट्रांजेक्शन जब अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड करने, तो उससे फायदा क्या होगा कि जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में रिकॉर्ड होगी,
और जिस ईयर के एक्सपेंस है उसी ईयर में रिकॉर्ड होते हैं। ईयर की बात हो रही है, सपोज करें दिसंबर ईयर एंड है आपका, ईयर एंड पे आपका बिल आना था, दिसंबर का बिल है, बिल तो कब आता है, अगले महीने आएगा जनवरी में। कि जैसे दिसंबर में आपका ईयर एंड हो रहा है, दिसंबर का बिल आएगा आपका जनवरी में, पे कब करेंगे, जनवरी में। अच्छा, अगर आप उसका पेमेंट का इंतजार करते हैं दिसंबर के बिल की, तो दिसंबर के बिल की पेमेंट कब होगी, जनवरी में। और पेमेंट के टाइम पे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो नेक्स्ट ईयर में चार्ज होगा ना, करंट ईयर में चार्ज नहीं होगा। लेकिन अब वो ड्यू कब होता है बिल आपका, 31 दिसंबर पे ड्यू हो जाएगा। तो अगर आप उसे 31 दिसंबर पे ही रिकॉर्ड कर लें, उससे क्या होगा कि इस साल का एक्सपेंस इस साल में चार्ज। ठीक, क्रेडिट सेल्स की आपने दिसंबर में आपने क्रेडिट सेल्स की और कस्टमर को टाइम दिया आपने 1 मंथ का। अच्छा, वो पे करेगा आपको जनवरी में। सेल्स आपने किए 15 दिसंबर को, पेमेंट आपको मिलेगी 10 15 जनवरी, 1 मंथ का टाइम दिया आपने। अगर इसे हम जनवरी तक वेट करें पेमेंट का और 15 जनवरी को रिकॉर्ड करें सेल्स, उससे क्या होगा कि इस साल की इनकम अगले साल में रिकॉर्ड होगी। सेल आपने दिसंबर में की, रिकॉर्ड आप जनवरी में कर रहे हैं रिसिप्ट के टाइम पे, तो इससे क्या होगा इस साल की इनकम नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगी, इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं होगी ना। ठीक, इसी तरह आपने कोई परचेजेस किया आपने क्रेडिट पर दिसंबर में, पेमेंट आप कर रहे हैं उसकी जनवरी में, तो अगर जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, इस साल की परचेज नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होंगी, इस साल के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में चार्ज हो जाएंगे। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले जाएंगे आप, मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएंगे ना, कि करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो रही है, करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड। और अगर आप उसको अकर होते ही रिकॉर्ड कर लें, मतलब 15 दिसंबर को सेल की आपने उसी दिन रिकॉर्ड कर लें, उससे क्या फायदा होगा, इस साल की सेल उसी साल में रिकॉर्ड होगी। अच्छा, दिसंबर में आपने परचेजिंग की उसके वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे तो उस साल के एक्सपेंस उसी ईयर में चार्ज हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं। इसी तरह देखिए, बिल है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिसंबर का बिल कब आएगा, जनवरी में आता है, पे कब होता है, जनवरी में। अगर आप पेमेंट का इंतजार करेंगे तो क्या होगा, आपकी पेमेंट जनवरी में होगी, आप रिकॉर्ड करेंगे जनवरी में, उससे क्या होगा दिसंबर के एक्सपेंस जनवरी में रिकॉर्ड होंगे, करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में चार्ज हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आप उसको 31 दिसंबर पे ही रिकॉर्ड कर लें, ड्यू होते ही 31 पे बिल ड्यू हो जाएगा, उसी वक्त रिकॉर्ड कर लें, तो उससे क्या फायदा होगा, इस साल के एक्सपेंस इसी साल चार्ज। उससे क्या होगा कि आपको मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो। इसलिए अक्रूअल बेस अकाउंटिंग यूज करते हैं कि जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लें, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार ना करें। तो इससे क्या होता है कि जिस साल की इनकम होती है उसी ईयर में रिकॉर्ड होगी, जिस ईयर के एक्सपेंस होंगे उसी ईयर में चार्ज होंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर। हाँ, तो ये सब देखिए मैचिंग और ये एक ही हो, इसको अगर आप फॉलो करेंगे एक्रुअल बेसिस को तो आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाएगा, इसे अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मैचिंग भी अप्लाई नहीं। ये समझे, तकरीबन एक ही चीज है। इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट को, कि जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये देखें एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ओके जी, फर्स्ट सपोज कर लेंगे 1 जनवरी को हमने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, जनवरी 1 न्यू बिजनेस हमने स्टार्ट किया। अच्छा, जनवरी का पूरा मंथ गुजर गया, अब हमें सैलरी पे करनी है, तो जनवरी की सैलरी कब पे होगी, 31 जनवरी को या नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे ना, फेब में। अच्छा, फर्ज करें 31 को तो नॉर्मली कोई पे नहीं करता, फर्ज के लिए फिफ्थ फेब को हम पे कर रहे हैं, जनवरी की सैलरी फिफ्थ फेब को पे कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सपोज कर लेते हैं 50,000 का, ये हमने जनवरी की सैलरी फिफ्थ फेब को पे कर दी। अब फेब की सैलरी कब पे होगी, मार्च 5 को, सेम एंट्री बनेगी, सेम एंट्री होगी ना, इसको मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं।
बाद मार्च की सैलरी कब पे करेंगे? अप्रैल, फिफ्थ को सेम एंट्री होगी, और फिर अप्रैल की मई, फिफ्थ यहाँ भी एंट्री सेम बनेगी। अच्छा, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। के बाद मई के बाद आ जाएगा जून 5, फिर जुलाई 5, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, दिसंबर 5 को हम पे करेंगे नवंबर की सैलरी ना, नवंबर की सैलरी पे होगी दिसंबर 5 को, ये लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमने नवंबर की सैलरी दिसंबर 5 को पे कर दी। ओके, अब जो दिसंबर की सैलरी है वो कब पे होगी? जनवरी 5 को। अब उसे जनवरी 5 को रिकॉर्ड करें या 31 दिसंबर पे? अच्छा, ये ड्यू कब होगी? दिसंबर की सैलरी पे तो हम करेंगे 5 जनवरी को नेक्स्ट ईयर, लेकिन ये ड्यू कब हो जाएगी हम पे? 31 दिसंबर पे ड्यू हो जाएगी, तो इसको रिकॉर्ड कब करना चाहिए? 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड कर लेंगे ना। तो इससे क्या होगा कि इस ईयर के एक्सपेंस इस ईयर में चार्ज होंगे ना। अगर हम वेट करें जनवरी का, करंट ईयर में कितनी सैलरी चार्ज होंगी? 11, ठीक है, और दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी ना, तो यहाँ आपका वो मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो सिर्फ क्या करेंगे हम कि दिसंबर की सैलरी जो है वो 31 दिसंबर पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अब इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? दिसंबर एंड हुआ तो एक्सपेंस हो गया ना, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, डेबिट 50,000। अच्छा, अब हम बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे, अब क्या आ जाएगा? पेबल्स आ जाएंगे ना, क्योंकि अब हम पे एक लायबिलिटी आ जाएगी कि जो सैलरी हम पे डी हो गई है अब वो पे करनी है, ठीक है, जैन में पे करनी है ना, तो ये लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूवल्स क्रेडिट, या एक्रूड सैलरी भी लिख सकते हैं, सैलरी पेबल भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी एंट्री होगी, हाँ, एक्सपेंस डेबिट और एक्रूवल्स क्रेडिट हो जाएगी। से क्या होगा, जैसे करंट ईयर में कितनी सैलरी चार्ज होंगी? 12 चार्ज हो जाएंगी ना, अब पूरी 12 हो जाएंगी, और मैं दिसंबर की जो सैलरी थी वो 31 दिसंबर पे ही रिकॉर्ड कर दी ना डी होते। अब क्या होगा देखें, इस साल कितनी सैलरी चार्ज होंगी? पूरी 12 हो जाएंगी, तो इस ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में ही चार्ज हो जाएंगे, राइट। तो एक्रूअल बेस फॉलो करने से आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। तो ये एंट्री समझ में आ गई, तो एक्रूड एक्सपेंस के इफेक्ट क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। जब प्री पेमेंट की बात करते हैं, प्री पेमेंट ओके, वही जनवरी 1 हमने बिजनेस शुरू किया और रेंट ले लेते हैं, रेंट हम एडवांस पे करते हैं ना, 1 जनवरी को हमने रेंट पे किया, तो एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अमाउंट सपोज कर लें 20,000, को कम कर देते 5,000 कर देते पर मंथ, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट पेमेंट होगी फेब का रेंट, फर्स्ट फेब को पे हो जाएगा, सेम एंट्री बनेगी। फिर मार्च का रेंट, फर्स्ट मार्च को पे करेंगे, सेम एंट्री। तो मार्च का रेंट कब पे होगा? आज इसके बाद अप्रैल का रेंट हम पे कर देंगे 1 अप्रैल को। अब इसी तरह से पेमेंट होती रहेंगी, ठीक है, और आपका दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद अप्रैल के बाद मई 1, जून 1, जुलाई 1, अच्छा अगस्त 1 आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब क्या सितंबर के बाद, हाँ, अक्टूबर 1 आया। अच्छा, अक्टूबर में, इसके बाद सही है। अच्छा, अक्टूबर में क्या हुआ कि हमारे पास पैसे कुछ ज्यादा आ गए अमेज़न से, कमा लिया। अच्छा, अब हमने क्या किया, 1 अक्टूबर पे
नेक्स्ट सिक्स मंथ का रेंट एडवांस पे कर दिया, 6 महीने के एडवांस, ठीक है। सितंबर तक हम मंथली पे कर रहे थे, अक्टूबर 1st पे हमने 6 मंथ का रेंट एडवांस पे किया, डिस्काउंट मिल गया, मालिक मकान खुश हो गया, ठीक है। तो 6 मंथ का रेंट कितना होगा, 5, 6, 30, 30,000, ठीक है। अच्छा, अब नवंबर में कोई पेमेंट नहीं होगी, दिसंबर में कोई पेमेंट नहीं होगी, जनवरी फरवरी मार्च तक कोई पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब ईयर एंड हुआ हमारा 31 दिसंबर पे ना, ठीक है, 31 दिसंबर पे ईयर एंड होगा, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करनी होगी हमें, नहीं करनी? हाँ, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट ना करें अगर, तो क्या होगा, ये हमने रेंट पे किया है 6 मंथ का ना, और इससे पहले सितंबर तक कितने मंथ हुए थे, जनवरी से सितंबर 9 मंथ हुए, और 9 और ये 6 कितने हो गए, 15। तो अगर हम कोई एडजस्टमेंट ना करें तो करंट ईयर में 15 मंथ का रेंट चार्ज हो जाएगा, जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट। अब हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने गुजर गए, 3 महीने का रेंट तो आपका यूज हो गया, 30,000 में से 3 मंथ का रेंट आपका यूज हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का रेंट रह गया, बचा हुआ है ना, ठीक है। तो इसकी पर एक एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी। अब इसमें से देखें, जो 3 मंथ हैं, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च का रेंट हमारा प्रीपेड है, एडवांस दिया हमने ना, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, कि एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए थे 30,000 से, लेकिन इसमें से अभी 3 मंथ का रेंट हमारा बचा हुआ है, प्रीपेड है, तो एक्सपेंस हमारे कम हो जाएंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, तो इसको तो हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से, 15,000 से ना, 3 महीने का रेंट 15,000 से एक्सपेंस हो गया डिक्रीज, और ये 15,000 हमारे प्रीपेड है, एडवांस पेमेंट है। तो प्री पेमेंट की नेचर क्या होती है, एसेट तो एसेट क्या होंगे आपके, इंक्रीज, तो इसको हम प्री पेमेंट्स को या प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हैं, प्री पेमेंट या प्रीपेड रेंट डेबिट कर देंगे 15,000। ये ईयर एंड पर 31 दिसंबर पे एक एडजस्टिंग एंट्री होगी हमारी प्री पेमेंट की, प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, क्लियर। तो इसका इफेक्ट क्या होगा प्री पेमेंट का, एसेट इंक्रीज एक्सपेंस डिक्रीज। ये कॉपी कर लें। अच्छा, देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आपके अकाउंट बेस्ड होंगे, जिसमें एक टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट से किससे कैलकुलेशन होगी, और सेकंड होते हैं टाइम बेस्ड, जिसमें एक टाइम लाइन बनेगी और उसकी बेस पर कैलकुलेशन होंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंट बेस्ड, अब ये इसका टी अकाउंट का फॉर्मेट है, ये कॉपी कर लें पहले। टी अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, बताएं प्री पेमेंट की नेचर क्या है, एसेट होते हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, डेबिट पे। मतलब अगर क्वेश्चन वो आपसे कहता है कि ईयर एंड पे कुछ एक्सपेंस आपके प्री पेड है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, डेबिट पर आ जाएगा, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। एक्रूअल्स की नेचर क्या है, लायबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं भाई आपने दिसंबर की सैलरी पे नहीं की, तो जनवरी 1st पे एक्रूड होगी ना पेबल, एक्रूअल्स का ओपनिंग आ गया क्रेडिट पर, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, जब पूरे साल हम पेमेंट्स करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी, जब एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो पेमेंट्स कहाँ आएंगी, डेबिट साइड पर आ जाएगी। इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे, इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आए, ठीक। अब डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास, और वो होंगे आपके करंट ईयर के एक्सपेंस, ठीक। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आपके करंट ईयर के एक्सपेंस हो जाएंगे, जिससे हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे। ये एक छोटा सा अकाउंट है इसका, हमने अकाउंट बनाया एक्सपेंस का, टाइटल इसका एक्सपेंस,
टाइटल क्या है? एक्सपेंस का अकाउंट है ना। और ये प्री पेमेंट्स की नेचर क्या है? एसेट, एक्रूअल्स की नेचर, लायबिलिटी। तो अकाउंट बना रहे हैं एक्सपेंस का, रिकॉर्ड कर रहे हैं एसेट, रिकॉर्ड कर रहे हैं लायबिलिटी। ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये असल में एक थ्री इन वन अकाउंट, जो हमने टी अकाउंट बनाया ना, ये थ्री इन वन अकाउंट, ये एसेट अकाउंट भी है, एक्सपेंस अकाउंट भी है, लायबिलिटी। आपने बीकॉम किया किसी ने? आपने किया बीकॉम में? पास भी किया सर। अच्छा, बीकॉम में क्या होता है कि ये टॉपिक जब आप जब बीकॉम में पढ़ते हैं ना, वहां बनते हैं तीन अकाउंट। एक्रूअल्स का अकाउंट अलग होता है, प्रीपेमेंट्स का अकाउंट अलग बनता है, एक्सपेंस का अकाउंट अलग होता है। तीन सेपरेट अकाउंट बनते हैं जो हमने बनाए, ये थ्री इन वन अकाउंट, यानी तीनों अकाउंट को मर्ज कर ले तो ये अकाउंट बनता है। तभी मैं आपको वो तीनों अकाउंट्स अलग अलग बना के समझा भी देता हूँ, भी बनाते हैं और फिर इन तीनों को मर्ज करते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग ना, अभी हम इसको अलग अलग बनाते हैं तीनों अकाउंट, तीनों को मर्ज करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, ये थ्री इन वन अकाउंट, एसेट अकाउंट भी है, लायबिलिटी अकाउंट भी है और एक्सपेंस अकाउंट भी है। ठीक, इसको तो मैं अलग अलग सेपरेट बना के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसको अच्छा। पहले हम ये तीन अकाउंट्स बना रहे हैं सेपरेट, एक्सपेंस अकाउंट, एक्रूअल्स अकाउंट और प्री पेमेंट्स का। फिर इन तीनों अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएंगे एक्सपेंस का। ठीक, अच्छा सपोज कर लें कि ईयर मंथ स्टार्ट पे प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है आपका 5000 ये प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, आवाज नहीं, और एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस 2000 है। ठीक है, कुछ अमाउंट हमने एग्जांपल सपोज 5000 सपोज कर लें प्री पेमेंट से है, प्रीपेड है, और 2000 आपके एक्रूड एक्सपेंस है। अच्छा, ये हो गया आपके ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, अब हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस पे किए, टोटल हमने पेमेंट्स की 50,000 के एक्सपेंस पे किए। अच्छा, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमें पता चला कि प्री पेमेंट जो 5000 थे, इसमें से ईयर एंड पे प्रीपेड रह गए कितने? 2000 आपके प्रीपेड रह गए। ठीक, 5000 में से 3000 यूज हो गए, 2000 रह गए। अच्छा, और ईयर एंड पर आपके एक्रूड एक्सपेंस थे वो 2000 से इंक्रीज होकर 4000 हो गए। एक्रूअल्स आपके इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस आपने पे नहीं किए तो आपके एक्रूअल्स इंक्रीज हो गए, क्लोजिंग बैलेंस बन गया ना, ईयर एंडिंग है तो बीडी उसका वही आएगा ना, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस, तो बीडी इधर आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। अच्छा, ये अकाउंट्स हो गए ओपनिंग, क्लोजिंग और पेमेंट्स हो गए। अच्छा, अब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं ईयर एंड पे, तो देखिए प्री पेमेंट्स का टोटल आ गया 5000, ये इसमें से माइनस करें तो डिफरेंस कितना आएगा, मतलब 3000 क्या हुए? ये एक्सपेंस हो गए ना, अब 3000 हमारे एक्सपेंस हो गए कि हमने 5000 में से 3000 यूज कर लिए, 2000 बचे, तो यहाँ इसको एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दें, एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो गए। अच्छा, अब हमने अच्छा यहाँ एक्रूअल्स अकाउंट को क्लोज करते हैं, बैलेंस कितना आ रहा है? अब ये क्या हुआ, ये भी एक्सपेंस इंक्रीज हुए ना, लायबिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब आप एक्सपेंस पे नहीं करते, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, डेबिट हो गए। ठीक है, अब एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं तो टोटल कितना बनेगा, 55,000, और ये 55,000 बैलेंसिंग फिगर है, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। बाकी ये कैरी डाउन था एक्रूअल्स का, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और ये प्री पेमेंट्स का कैरी डाउन, ये नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्लियर दोनों?
और ये टोटल एक्सपेंस का अकाउंट बन गया, क्लियर। अच्छा अब इन तीनों अकाउंट्स को कंबाइन करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो ये वही अकाउंट बनेगा जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था। अच्छा प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 5000, डेबिट हो गया। एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस था 2000, क्रेडिट हो गया। इसके बाद ये प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा 2000, एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आ गया 4000, और ये 50000 हमने कैश पे किया था पेमेंट्स, ये डेबिट पे आ जाएंगी 50000। अब ये एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल कितना हुआ 59000 ना, 59000, 59 में सब ये माइनस करेंगे 4000, बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी 55000, और ये चार्ज हो जाएंगे इनकम स्टेट। वही सेम आंसर आ रहे हैं 55, यहाँ भी 55, और ये कैरी डाउन जो है ब्रॉड डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, डेबिट पे 2000 और ये क्रेडिट पे 4000, क्लियर। ये भी कॉपी कर लें, याद रहेगा आपको।